रखे रखे ही खराब हो गए हैं, क्योंकि दीवारों में ना हल्की सी सीलन रहती है। तो मैंने सोचा अब थोड़ी कुछ होगा, तो ये देखिए पूरा कुर्ता मेरा खराब हो गया है। ये देखिए अब इनको धूप में डाल रही हूँ, आधे जो धोने लायक होंगे उनको धोने, जितने ज्यादा गंदे होंगे उनको मैं धोऊंगी, बाकी धूप में डाल रही हूँ। इनको अच्छे से धुल के प्रेस करवा के रखा था, पर सारे गंदे हो गए। और यहाँ पे मेरे नाखून की कल मुझे लग गई थी, इतना गंदा सा दाग लग रहा है। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल देसी ब्लॉगर ललिता मीणा में वेलकम करती हूँ। मैं ललिता मीणा, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। ये सारे कपड़े जो मेरे हैं इधर यहाँ रखे रहते हैं ना, सब में सीलन हो गई है। तो मैंने सारे जो भी कपड़े थे उनको ये जो बाहर सुखा दिया है, और जिन कपड़ों में मेरे सीलन थी ना, उनको मैंने फैला दिया है इधर। सारे जो भी कुर्ते वगैरह है, जो भी सलवार सूट जो भी है मेरे, उनको फैला दिया है। और जिन पे की सीलन के अलावा दाग भी लग गए, ऐसे हो जाते काई जैसे लग जाते, हरे रे हरे तो नहीं, ब्लैक कलर के, ऐसे अजीब सी स्मेल। और ऐसा लगता है कि अगर इनको और ज़्यादा ध्यान नहीं दो तो फट भी सकते हैं कपड़े वहाँ से। तो हमेशा का यहाँ की यही परेशानी है, जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, तब से हर साल की यही समस्या है। बारिश होती है तो वहां से कपड़े हटाओ, फिर उनको इधर रखो दूसरी जगह पे, फिर वापस अगर बारिश रुक गई तो वहां रखो, और थोड़े दिन ध्यान नहीं दो तो यही दिक्कत आ जाती है। हर साल में इसी चीज में, मतलब बारिश के सीजन में इसी चीज में लगी रहती हूँ कि कहीं सीलन तो नहीं आ रही दीवारों पे। कभी कभी तो ऐसा होता था, जब मैं यहाँ पे आई थी ना इस क्वार्टर में, पूरा घर मतलब छत टपकती थी, तो थोड़ा 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 करके इसको ठीक किया है हम लोगों ने, और अभी छत नहीं टपकती है तो क्या दीवारों में सीलन आती है? तो ये परेशानी मेरे लिए हर साल की बन गई है, हर साल। तो कभी कभी ऐसे होता है ना, गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है मुझे कि मैं ये घर छोड़ के चली जाऊं। कर ली है। और मैंने आज है ना पहली बार ऐसे प्योर मयूरी हीना लगाई है, ब्लैक। कभी मैं ऐसे प्योर नहीं लगाती हूँ, मैं जो अपने हाथों में लगाने वाली मेहंदी होती है ना नेचुरल, वही लगाती हूँ। लेकिन अभी आज मुझे पता नहीं क्यों ठंड भी लग रही थी, और इतना टाइम भी नहीं था कि उसको भिगो फिर 2-3 घंटे बाद उसको लगाओ, 3 घंटे उसको रखो सर में। तो ये मुझे इजी एंड क्विक लगी, इसलिए मैंने ये लगा ली है। और इसको लगा के भी मुझे तो आज ठंडी लग रही है, पता नहीं क्यों, पर आज बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। ये भी सूख गई है। और मैंने कर लिए हेयर वॉश, और काफी मतलब डार्क ब्लैक कलर आया है मेरे बालों पे। हालांकि इससे ये है ना कि आप नेचुरल मेहंदी लगाते हो ग्रीन वाली जो हाथों में लगती है, तो उनसे इतने रफ नहीं होते हैं आपके बाल, अच्छे रहते हैं, स्मूथ रहते हैं। लेकिन इससे थोड़े से मेरे को रफ लग रहे हैं मेरे, पर जो भी व्हाइट बाल थे उनको अच्छे से कवर किया है। पता नहीं कितने दिन रहेगा कलर, लेकिन अभी इमरजेंसी में ये लगा लिए, फिर बाद में जो हाथों वाली मेहंदी होती है वही अप्लाई करूंगी अच्छे से। और हो गई है शाम, दिन भर के ऐसे छोटे मोटे काम करते करते ही शाम हो जाती है। कभी कभी तो ना मतलब थोड़ी देर भी रेस्ट नहीं मिलता है और शाम हो जाती है वापस। और यहाँ पे बना रही थी मैं सब्जी, तो टेस्ट करके देख रही थी कि कड़वे तो नहीं है काचरे जो है, तो दो काचरे इतने कड़वे थे कि पूरा मुंह का स्वाद बिगड़ गया। तो मैं बना रही हूँ आज हरी मिर्ची और देसी काचरे की सब्जी, नॉर्मल सी, वैसे ही जैसे बनाती हूँ बाकी सब्जियां, बस वैसे ही बना रही हूँ। और काचरे रखे हुए बहुत दिन हो गए थे, इनको रोज सोचती हूँ आज बनाऊंगी आज बनाऊंगी, आज आखिरकार इनका नंबर आ ही गया। फ्रिज में भी जगह घेर रखी थी तो जगह खाली हो जाएगी फ्रिज की भी। पता नहीं मिर्ची शक्ल से तो तीखी लग रही है, पता नहीं कैसी निकलेगी। तो ये है हरी मिर्ची और ये है देसी काचरे जो हरे होते हैं ना इस तरीके से, खेतों में से सारे काचरे, सब चीज फसल तो खेतों में ही होती है, लेकिन ये इस तरीके से काचरे हैं हरे वाले। और हरी मिर्ची इनकी बना रही हूँ मैं सब्जी,
और बीज मैंने रख दिए हैं, बीज अच्छे लगते हैं मेरे को सब्जी में। तो तेल हो चुका है गरम, इसमें डाल दिया मैंने जीरा और राई, उसके बाद मैंने जो प्याज कट करके रखे थे वो डाल दिए हैं, लहसुन कूट के डाल दिया। इनको थोड़ा सा ब्राउन होने दूंगी, बहुत ज़्यादा भी नहीं भूनूंगी, हल्का सा ब्राउन होने के बाद इसमें ऐड कर दूंगी जो हरी मिर्ची है, उसको थोड़ी देर फ्राई करूंगी तो ताकि हरी मिर्ची थोड़ी कच्ची ना रहे, कच्ची रहने से पेट में दर्द हो सकता है आपके, होता है ऐसे, मिर्ची अगर कच्ची रह जाए तो। इसमें डाल दिया मैंने नमक और हल्दी, थोड़ा सा फ्राई करने के बाद फिर डाल दूंगी जो भी काचरे कट करके रखे हैं मैंने उनको। तो मिर्ची फ्राई हो चुकी है, उसके बाद मैंने ऐड कर दिए काचरे, और काचरे थोड़े से ना बनने में टाइम लगता है, इनको पकने में टाइम लगता है, तो सिम आंच पे आपको मीडियम फ्लेम पे एकदम ढक के छोड़ देना है 10-15 मिनट तक। तो अब बनती रहेगी ये सब्जी, और इसमें कुछ भी नहीं है ज्यादा, इतनी मेहनत भी नहीं है। हरी मिर्ची कट की, फिर उसमें काचे कट किए, लहसुन प्याज नमक हल्दी और तेल जीरा थोड़ा सा, बन के तैयार हो जाएगी ये सब्जी। और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, ताकि आपको एक बूंद भी पानी न डालना पड़े, एकदम ड्राई मस्त यम्मी सी सब्जी बन के तैयार हो जाएगी। अभी 15 मिनट खूब है, 15 मिनट में आराम से पक जाएगी ये, जो काचरे वो गल जाएंगे। हरी मिर्ची तो खैर जल्दी गल जाती है, पक जाती है मतलब, काचरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो तब तक मैं बना लेती हूँ, मतलब बना क्या लेती हूँ, आटा गूंद लेती हूँ और रोटी बनाने की तैयारी करती हूँ। तो ये बन के तैयार है काचरी और हरी मिर्ची की अचार जैसी रेसिपी, और बहुत यम्मी बनी थी, ज़रूर से ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी लगी थी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।